हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई हम GTA 5 खेल नहीं पाते, प्लीज़ GTA 5 जैसा दिखने वाला ओपन वर्ल्ड गेम लेके आओ जो कि हमारे लो एंड से लो एंड PC पे आराम से चल जाए। सो वेल गाइस, ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 10 गेम लेके आया हूँ जो कि ओपन वर्ल्ड है, साथ ही साथ ये आपके 1 GB रैम और 2 GB रैम पे आराम से चल जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, एंड जितने भी नेसेसरी लिंक्स है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई बस एक बात कहना है, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट न्यू गेम्स के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले गेम के ऊपर। तो बल्कि जो हमारा सबसे पहला गेम है उसका नाम है स्कारफेस। एंड दोस्तों, स्कारफेस एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया है एंटरटेनमेंट के द्वारा, एंड ये ऑलमोस्ट आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स, इनफैक्ट अपने PC के लिए भी इसे आप खेल सकते हो। इसे पब्लिश किया गया वेंडी गेम्स के द्वारा, एंड ये गेम रिलीज हुआ था 25 जुलाई 2006 को। ये टोटली पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है दोस्तों, इसमें आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, एंड आफ्टर मिशन आप सिटी में इधर उधर सब कुछ घूम फिर सकते हो। इनफैक्ट इसमें आप बोट चला सकते हो, कार चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, मतलब जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड GTA 5 में आप करते हो आप कर सकते हो। एंड वेल गाइस, इस गेम का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफ़ी OP है, एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मैं जो इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 भी नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर का प्रोसेसर आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 5 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए। और अगर इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना तो गूथ फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ, इस गेम का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है स्लीपिंग डॉग। एंड स्लीपिंग डॉग का क्या कहना, 2012 की सीरीज में ये गेम बहुत ही पॉपुलर था, इनफैक्ट अभी भी ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो स्लीपिंग डॉग के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। स्लीपिंग डॉग एक आपका एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया यूनाइटेड फ्रंट गेम के द्वारा, एंड उसे पब्लिश किया गया है स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा, एंड ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड अपने विंडोज के लिए। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 14 अगस्त 2012 को दोस्तों। आपका जो ये गेम का मैप है इसे हांगकांग में बेस है, तो इसका जो स्टोरी लाइन है वो मैं बता दूं। यहाँ पर एक आपको एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम वे शिन रहता है, अंडरकवर पुलिस कॉप रहता है, चाइनीज अमेरिकन पुलिस ऑफिसर रहता है, एंड वो काफी सारे माफिया को एक्सपोज कर चुका होता है, मतलब सफाया कर चुका होता है। तो उसे बुलाया जाता है हांगकांग में, भैया देखिए यहाँ भी माफिया बहुत ही बड़ी है, तो आप सबको लात झूठा मार के भगाइए। तो बेसिकली आपको उसी का रोल प्ले कैरेक्टर करना रहता है, एंड ये टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है, यहाँ पर आपको मिशन कंप्लीट करने रहते हैं, एंड आफ्टर मिशन यहाँ पर आप इधर उधर भटक फटक सकते हैं, मतलब पूरा सिटी को आप एक्सपोज कर सकते हो और लुफ्ट उठा सकते हो। एंड इस गेम का जो सबसे अच्छा बात मेरे को ये लगता है कि इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं जो इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बता देना चाहता हूँ दोस्तों। रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 में नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 9 GB के आसपास स्पेस खाली रखना भाई इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कूद फन के मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है एलेनोरी, एंड इस गेम के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं दोस्तों। एलेनोरी एक एक्शन एडवेंचर शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था टीम बियॉन्ड के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया था मई 2011 को, और ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड आपके PC के लिए। बेसिकली इस गेम में आपको क्या करना रहता है, बेसिकली आप यहाँ पर एक डिटेक्टिव रहते हो जो कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, एंड यहाँ पर आपको केस को सॉल्व करना रहता है। सेम आपका जो स्लीपिंग डॉग के जैसा ये भी है आपका एक डिटेक्टिव वाला गेम है, एंड साथ ही साथ इसका जो मैप है वो लॉस एंजलिस पे ओपन वर्ल्ड गेम है दोस्तों। यहाँ पर आपको व्हीकल्स चलाने मिलता है, एंड जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड में करते हो ये सभी चीज़ आप इसमें कर सकते हो। मिशन आप यहाँ पर एक सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यार मिशन कंप्लीट किया देन आफ्टर हमें फिर से मिशन करना पड़ेगा। तो इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 में नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए।
स्पेस की बात करें तो मिनिमम यार 13 GB के आसपास स्पेस खाली रखना। और इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कूद फान के मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, और भाई हो सके तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लियो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हो, फॉलो लाइक करके जाइयो, ठीक है। नौरी पापा का शराब लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद रखियो नौरी पापा। चलिए ठीक है, तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उसका नाम है माफिया। एंड माफिया के जितने भी गेम्स है वो अपने आप में एक सुपर परफॉर्मेंस गेम्स है। मतलब आप जब इसके कोई भी गेम को ले लो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट गेम तक, हर गेम में आपको बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स एंड बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर हम माफिया गेम के बारे में बात करें कि जो माफिया वन है वो आपका एक एक्शन एडवेंचर थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, जिसे डेवलप किया गया 2K गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश भी किया गया 2K गेम्स के द्वारा। एंड ये गेम आपका ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, 2, PS3 एंड PS4 के लिए, एक्सबॉक्स के लिए भी ये उपलब्ध है एंड आपके PC के लिए। एंड वेल गाइस ये गेम को रिलीज किया गया 27 अगस्त 2012 को। एंड इस बेसिकली ये स्टोरी लाइन क्या है गेम का, पहली बात तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है। दूसरी बात कि ये गेम का जो स्टोरी लाइन है, मतलब आप माफिया का रोल अदा करते हो, लाइन है वो गैंगस्टर बेस है। मतलब आपको मार पिटाई यहाँ पर करना रहता है, मिशंस कंप्लीट करना रहता है, अपने अपोनेंट माफिया वाले टीम को मारना रहता है एंड वहाँ से गाड़ी उड़ी चोरी करके आप आफ्टर मिशन आप दिल्ली इधर उधर सिटी में घूम सकते हो, कार चला सकते हो, कुछ भी मतलब कर सकते हो जो आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो। एंड साथ ही साथ गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है। पहले गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, मतलब आपके लो एंड से लो एंड PC में ये गेम आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूँ, रैम की बात करें तो भाई GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 212 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास मिनिमम डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो यार 8 GB का स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भाई सुपरमैन जैसा उड़ के मेरे वेबसाइट पे जाओ एंड वहां से अपना गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम निकल के आता है, उसका नाम है सैंथ्रो द थर्ड। एंड दोस्तों सैंथ्रो थर्ड भी एक बहुत ही ऑसम गेम है। अगर आपके पास एक लो इन PC और आपका चाह है कि मैं एक ओपन वर्ल्ड खेलूं GTA 5 जैसा, तो सैंथ्रो थर्ड सिर्फ आप ही के लिए बना है, कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। सो वेल गाइस यहाँ पर मैं सैंथ्रो थर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। वेल गाइस सैंथ्रो थर्ड एक एक्शन एडवेंचर थर्ड पर्सन वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वेल एशियन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड वेल गाइस सैंथ्रो थर्ड भी एक आपका ओपन वर्ल्ड गेम है जहां पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड आफ्टर मिशन यहां पर गेम में आप इधर उधर घूम फिर सकते हो, मतलब कार चला सकते हो, लोगों को मारपीट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो। रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2011 को और ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 3, Xbox एंड आपकी विंडोज के लिए। एंड वेल गाइस जो सैंथ्रो थर्ड का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों स्पेस की बात करें तो मिनिमम 10 GB का स्पेस PC या लैपटॉप पे खाली होना चाहिए। अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल रख दो तो इस गेम को खेलने के लिए आप रेडी हो। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो कूद फान के सुपरमैन जैसा मेरे वेबसाइट पे जाए एंड वहां से इस गेम डाउनलोड कर ले। तो बढ़ते हैं हमारे सिक्स गेम के ऊपर। सिक्स नंबर वाला गेम है, उसका नाम है क्राइसिस। एंड क्राइसिस के बारे में आप से ज्यादा और अच्छे तरीके से जानते हैं। सो वेल गाइस क्राइसिस एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप क्रिटिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड वेल गाइस ये भी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 3, PlayStation 4 एंड Xbox एंड आपकी PC के लिए। और इस गेम को रिलीज किया गया था नवंबर 13 2007 को। बेसिकली दोस्तों ये एक आपका ओपन वर्ल्ड गेम है जहां पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड यहाँ पर भी आपको मैप का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ भी आप ऑलमोस्ट सभी चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड में करते हो। पास एक लो इन PC है तो ये गेम आप पे बिल्कुल फिट बैठता है। एंड बेसिकली इसमें आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड आफ्टर मिशन यहाँ पर आप इधर उधर मटरा सकते हो, फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, बोट चला सकते हो, कार ही चला सकते हो एंड बहुत ही ऑसम गेम है। लिटरली बताऊँ तो बहुत ही अच्छा गेम है। एंड बेसिकली दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है की बात करें तो मेरा 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 में नीड। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। स्पेस की बात करें तो मिनिमम आपके पास दोस्तों 12 GB के आसपास स्पेस होना चाहिए। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरी वेबसाइट पे खुद फन किया जाए, वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सुबह लगे बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। सेवंथ नंबर वाला गेम है, उसका नाम है जस्ट कॉज। एंड दोस्तों जस्ट कॉज का क्या कहना, जस्ट कॉज के सभी सीरीज अगर आपने नहीं खेला है तो भाई जाके उसका
का एक गेम प्ले देखो एंड देन जाके मेरे वेबसाइट पे खुद फान के जाओ एंड जो भी सीरीज आपको पसंद आता है वो सीरीज आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं जस्ट कॉज के बारे में। तो बल्कि जस्ट कॉज एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर शूटिंग वीडियो गेम है जो कि एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में पूरा बेस है। यहाँ पर आप एक कॉप बन के जाते हो जहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है, जो कि आपके एनिमीज रहते हैं उसका बेस को तबाह करना रहता है। तो बेसिकली यही इसका जो मिशन लाइन है यही है। दोस्तों इस गेम को डेवलप किया गया प्लान स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एडुस इंटरेक्टिव के द्वारा एंड वेल गाइस ये भी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्ले स्टेशन टू एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी के लिए। एंड इस गेम को रिलीज किया गया 27 सितंबर 2006 को। बेसिकली गेम की मोड की बात करें तो यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर खेल सकते हो, अभी तक मल्टीप्लेयर इसका है नहीं, सिंगल प्लेयर मोड है। एंड दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी ऑसम है, मतलब यार गेम का साइज के हिसाब से एंड जो गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 2512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 4 GB आपके पास मिनिमम स्पेस खाली होना चाहिए। तो हमारे नेक्स्ट गेम के ऊपर जो कि है नंबर 8, जो हमारा 8 नंबर वाला गेम है उसका नाम है व्हेलमैन। एंड दोस्तों व्हेलमैन एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया ट्राइगन स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों इस गेम में आपको क्या करना रहता है वो यहाँ पे बेसिकली बता दूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये गेम किसी किन किन प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड आपकी पीसी विंडोज के लिए। गेम को रिलीज किया गया 24 मार्च 2009 को। एंड वेल गाइस बेसिकली गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है। यहाँ पर आपका जो मेन काम रहता है ड्राइविंग, आपको यहाँ पर ड्राइविंग करना रहता है। बट यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अपन खाली ड्राइवर ही बन के रहेंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों ऐसा नहीं। आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, कार चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पूरा ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। गेम का एक मूवी भी है, आप नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हो। सो बेसिकली इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 1.5 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम आपके पास 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर का प्रोसेसर आपके पीसी लैपटॉप पे होना चाहिए। और स्पेस की बात करूँ मैं दोस्तों 13 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी लैपटॉप पे। अगर आप इस गेम को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो खुद फान के भाई मेरे वेबसाइट पे जाओ और अपने गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। हमारा 9th नंबर वाला गेम है उसका नाम है द गॉड फादर 2। एंड द गॉड फादर 2 भी एक दोस्तों ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप किया गया है EA रेडवुड के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के उपलब्ध है, विंडोज, प्लेस्टेशन 3 एंड आपके एक्सबॉक्स के लिए। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 7 अप्रैल 2009 को। एंड बेसिकली ये एक टाइप का माफिया टाइप का गेम है, मतलब यहाँ पर आपको अपने ओपोनेंट्स को मारना रहता है एंड यहाँ पर बेसिकली उसको मिशंस कंप्लीट करना रहता है। एंड गेम की बात करें तो पूरा ओपन वर्ल्ड बेस है, यहाँ भी आपको मिशंस कंप्लीट करना रहते हैं। एंड आफ्टर मिशन सिटी में इधर उधर आप भटक फिटक सकते हो, मतलब पूरा ओपन वर्ल्ड का एंजॉयमेंट ले सकते हो। सो वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 9 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी लैपटॉप पे। हमारे 10th गेम के ऊपर जो हमारा आखिरी गेम है, जो 10th गेम है उसका नाम है ड्राइवर पैरेलल लाइन। एंड दोस्तों ये भी आपका एक एक्शन एडवेंचर एंड ड्राइविंग गेम है, ठीक है। यहाँ बेसिकली आपको ड्राइविंग करना रहता है एंड ये भी आपका टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम का जो मैप है न्यूयॉर्क सिटी पे पूरा सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ आपको ड्राइविंग करना रहता है, तो आपका जो मेन मिशंस रहता है वो ड्राइविंग करना रहता है, मतलब गाड़ी चला के इधर से उधर आपको जाना रहता है। एंड यहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हो, आप सिटी पे इधर उधर घूम सकते हो, बाइक चला सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड सिटी में करते हो आप सभी इस गेम में कर सकते हो। एंड गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है, प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है प्ले स्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड आपकी पीसी के लिए। गेम को रिलीज किया गया था 14 मार्च 2006 को। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम है। सो मिल गाइस रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें मिनिमम 512 भी नीड। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 5 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप मेरे वेबसाइट से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मिल गाइस इन सभी सीरीज के गेम आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी कोई न्यू गेम चाहिए तो भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।
सो वेल गाइस, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। साथ ही साथ अगर कोई भी एरर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड वेल गाइस, बस आज के वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये टॉप 10 सीरीज आपको पसंद है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन टॉप 10 गेम में से आपका कौन सा फेवरेट गेम है या आपने कौन सा गेम कब खेला है। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।